हेलो एवरीवन, सो गाइस ग्रेट लीग है और इस पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो ग्रेट लीग में आज का रिवॉर्ड है वो अपना है लैंडोरस। तो अगर हम चार मैच जीतते हैं तो हमें मिलेगा मौका पकड़ने का। तो मैं दो मैच जीत चुका हूँ, ये तीसरा है। इसके बाद एक और जीतेंगे हम लोग और फिर हम लोग लैंडोरस पकड़ेंगे। तो ये जो लीग अल्ट्रा लीग में क्या होता है कि 2500 प्लस के 2500 तक के पोकेमोन होते हैं। तो जैसे ग्राटिना है, ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है और ये गोस्ट गोस्ट टाइप है। तो गोस्ट टाइप की कमज़ोरी है अपनी ड्रैगन और आइस, तो इसीलिए हमने लिया है ड्रैगन ऑन फ्लाइगोन। सॉरी, इसका ड्रैगन क्लो काफ़ी इस पर इफेक्टिव होगा। ये जो इनके पास क्या दो शील्ड है, तो ये अभी तो दो शील्ड यूज़ करेंगे, दो अटैक बचाएंगे और हम भी वही चीज़ सेम करेंगे क्योंकि इसको ख़त्म करना है, इसको मारना ही मतलब तभी हम जीत पाएंगे। इसने दूसरी बार भी शील्ड यूज़ कर ली है और हमने भी यूज़ कर ली है। शैडो स्नीक इस बार ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही पड़ेगा इस पर ये फिनिश। पर ग्राटिना एक लेजेंडरी पोकेमोन है तो इसी बात है, उसका मूव बहुत फास्ट होंगे और ये ड्रैगन क्लो ग्राटिन पे पड़ने वाला है। ये बिल्कुल तमाचे की तरह पड़ेगा इस पर और एक ही पड़ेगा, सारी लेजेंडरी निकल जाएगी इनकी। तो भैया एक गया, दूसरा है, ये भी लेजेंडरी पोकेमोन है, डार्क आई नाम है इसका। ये सब अंधेरे वाले पोकेमोन हैं, भूतिया पोकेमोन है ये। दो शील्ड प्लस हमारा एक फ्लाइगोन पोकेमोन गया है और तीसरा पोकेमोन कुर्बानी के लिए खड़ा है। इसकी फुल हेल्थ है आप देख रहे हैं और उसका एक अटैक इसकी फुल हेल्थ। ये वाला सीन है फोकस ब्लास्ट, सुपर इफेक्टिव। और हमारे पास कोबेलियन जो कि लेजेंडरी पोकेमोन है, जो कि मेरे पोकेमोन्स में एक बैकबोन टाइप का है। ये ख़त्म तो मेरा गेम ख़त्म। इसका बेस्ट ये है कि इसमें इसकी वीकनेसेस कम है, फाइटिंग, वाटर, फायर सिर्फ ये इनसे डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। मैंने क्या बोला, फाइटिंग, वाटर, ग्राउंड और एक और है, फाइटिंग, वाटर, ग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो कुल मिला के बात ये कि सामने अगर तीन पोकेमोन है, तीन में से अगर वो तीनों उन्होंने फायर ही लिया है तो मैं ख़त्म। तो वैसा इस पर कुछ नहीं था, ग्राटिन से तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ग्राटिन के साथ ही लास्ट तक टिका रहेगा। ग्राटिन और ये दोनों एक दूसरे पे बराबर है, देख लो कुछ भी कर लो नहीं मर रहा है। सामने वाला भी ऐसे ही बदतमीज है, बेशर्म, दोनों बड़े बेशर्म हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे, कोई मर ही नहीं रहा। सो गाइस ये हम लोग तीसरी बैटल जीते हैं, इसके बाद हमें एक और जीतनी है, उसके बाद हम सीधे चलेंगे लैंडोरस को पकड़ने। मैंने वैसे पांच मैच खेले हैं पर मैं आपको सिर्फ ये दो बैटल दिखाऊंगा, फिफ्थ बैटल में हार जाता हूँ वो हार दिखा दूंगा आपको। उसमें क्या है कि वही सेम पोकेमोन आ जाते हैं, फायर आ जाता है, फाइटिंग आ जाता है और वाटर आ जाता है, तीसरा वो दिखाता भी नहीं है, तीसरा ग्रास टाइप होता है। तो ये जो बैटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है एक पोकेमोन फायर टाइप है, पहला पोकेमोन ही है शायद फायर टाइप, जो कि मेरी बैंड बजाएगा। इसमें दो फायर टाइप है इस वाली फाइट में, ये रहा बाल डांसर वाली पैंट पहन के आ चुका है ये, ब्लाजी कैन नाम है इसका। सीपी इसकी बहुत ज़्यादा है, 2476, 2500 का तो मैच है, उसमें 24 वाले आ जाते हैं तो गेम वहीं ख़त्म। मैंने शील्ड यूज़ नहीं की,
और आप देखिए उसकी सजा। तो भाई अभी मुझे लग रहा था, जैसे आप देख रहे हैं मुझे भी लग रहा था कि मैंने गलत स्टेप लिया है, पर जैसे आप धीरे धीरे आगे मैच देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वो शील्ड यूज़ क्यों नहीं की थी, क्योंकि मुझे अपना ये वाला पोकेमोन बचाना है। अब मैं शील्ड यूज़ करूँगा क्योंकि बैकबोन अगर टूट जाए तो अपनी बॉडी के रिफ्लेक्स काम नहीं करते हैं और इंसान ख़त्म। तो मैं अपनी बैकबोन बचानी है फिलहाल। वो भी शील्ड यूज़ करेगा क्या? है नहीं क्या? है तो शील्ड। सो गाइस ये घासपूस सामने खड़ी है हमारे और घासपूस को जलाया जाएगा। जलाने के लिए हमारे पास है हुंडुम शील्ड, यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। दोनों शील्ड हमने अब यूज़ कर लिए। अगर तीसरा भी फायर टाइप पोकेमोन आएगा तो हम हार जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि तीसरा भी फायर टाइप पोकेमोन है, पर किस्मत की बात यह है कि उसके पास फायर वाले अटैक्स नहीं है। देख लो आप, वो एक डार्क अटैक यूज़ कर रहा है जिसको बोलते हैं स्नार्ल। तो ये देख लो, एक वायलेट सी मतलब वो रेडिएशन छोड़ रहा है। कहाँ से छोड़ रहा है ये नहीं पता, पर इसका जो वाइल्ड चार्ज है, वाइल्ड चार्ज, ये मेरी जान ले सकता है। ये लैगिंग इश्यू बहुत हो रहा है यार आजकल। आप देख रहे हैं जियो के दो नेटवर्क आ रहे हैं, पर दो में भी बात है। अब इसने अगर वाइल्ड चार्ज अटैक किया तो मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ बचेगी, और ये वो लास्ट में आगे हारना अजीब लगता है। वाइल्ड चार्ज और बैकबोन टूटते टूटते बची। सो गाइस हम लोग अब 4 battles जीत चुके हैं। और आपको बता दूं ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड है, मैं अब इसको थोड़ा सा आगे करूँगा और मैं आपको अपनी एक छोटी सी हार दिखाऊंगा यहाँ पर। हम देखेंगे, सॉरी गाइस ये वाला मैच मैं जीत जाऊंगा, इसके बाद वाला हारूंगा। मैंने थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन कर दी। सो गाइस ये वाला मैच भी हम जीत जाएंगे। तो ये देख लो ये स्नोरलैक्स है, इसको हम हराएंगे भी। ये बहुत पावरफुल पोकेमोन है, इसका जो हाइपर बीम है पूरी दुनिया ख़त्म कर देता है। ये देखिए कुछ बचा ही नहीं है, पर अपनी जो कमरिया है बैकबोन। सो गाइस अब हम 4 मैच जीते हैं। थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया था। ये वाला जो इसके बाद वाला मैच है, जो नेक्स्ट बैटल पे हम क्लिक करके जो होगा ये हम लोग हार जाएंगे। तो इसमें हम आपको हल्की सी हार दिखा देते हैं अपनी। देखो ये है गैराडोस, तो ये तो वाटर टाइप है, ये मेरी जान ले लेगा। सो गाइस ये हमारा 5th match है। ये मैच जीतना ज़रूरी नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो लैंडोरस को पकड़ना था, जो कि हमें अब पकड़ने का मौका मिलेगा। तो गुड एफर्ट, मतलब तुम हार चुके हो। तो 5 में से 4 मैच जीत चुके हैं, तो चौथा है वो है लैंडोरस। तो लैंडोरस को हम 2029 इसकी CP है, और अपना थ्रोइंग टैलेंट दिखाएंगे यहाँ पर। पॉकीबॉल फेंकने का तरीका होता है जिसमें हम कर्व में फेंक रहे हैं, और ये कटिंग नाक थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। लैंडोरस के नाम में देख रहे हैं आप, ये एक बार में पकड़ में नहीं आएगा।
पर ये रिवॉर्ड है हमारा, तो रिवॉर्ड का मतलब ये कि ये में मिलेगा, थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे पर ये कहीं भागने वाला नहीं है। जब तक मेरे पास पॉकीमोन बॉल्स हैं, जब तक मुझे मिलती रहेंगी तब तक मैं उसको पकड़ सकता हूँ। तो पाइन बेरीज का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, इसको फेंकने पे हमें एक्स्ट्रा डबल कैंडीज मिलेंगी। जैसे कि हमें थ्री तीन कैंडीज देने वाला था, बेरीज खिला दी तो हमें छः देगा, बस और कुछ नहीं है। अरे यार कहाँ फेंक रहा हूँ, ये ताऊ भी यार सामने नहीं खड़ा हो पा रहा। ये जो लंडोरस है मेरे थ्रो मिस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग डेली नहीं पकड़ते ये लेजेंडरी पोकेमोन्स, और मुझे कभी कभार मौका मिलता है पकड़ने का। जब से मैं गो बैटल्स खेल रहा हूँ तब से मैं डेली पकड़ रहा हूँ पर इतने नहीं पकड़ रहा हूँ। ये बहुत दूर खड़ा है एक्चुअली, और ये बहुत बड़ा भी है और उड़ भी रहा है, तो हमें वैसे थोड़ा दूर फेंकना पड़ता है। यार ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, ग्रेट थ्रो जा रहे हैं यार फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा। ऊपर से अल्ट्रा बॉल, मतलब सबसे बेस्ट बॉल है मेरे पास ये। लैंडोरस वाज वाज तो गया, तो हमने ये पकड़ लिया है, हमारे पास नौ कैंडीज आ चुकी हैं, नौ कैंडीज आ चुकी हैं। चलिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।